राधे राधे भक्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं ठीक हूँ और मैं स्वागत करती हूँ अपने चैनल डियर ब्लॉग पे आप सभी का। तो मैं बता दूँ कि अभी मैं हूँ ब्रज की यात्रा पे और आज हम लोग का जो यात्रा प्रारंभ हो रहा है वो हो रहा है गोकुल के लिए। लेकिन हम लोग गोकुल न जाके सबसे पहले जाएंगे रमन रेती और फिर वहाँ से वापस आकर जाएंगे गोकुल, जहाँ कृष्ण जी ने अपना बाल्य अवस्था बिताया था। तो चलिए आप लोग मेरे साथ बने रहें मेरे इस ब्रज की यात्रा में और आप लोग भी रमन रेती का दर्शन करें। रमन रेती वह अद्भुत स्थान है जहाँ श्री कृष्ण ने सभी प्रकार की शरारतें और लीलाएं की थी और राधा और अपने चरवाहे मित्रों के साथ खेल खेले थे। वह मथुरा से कुछ किलोमीटर दूर गोकुल में स्थित है। भक्तों का मानना है कि श्री कृष्ण के पैरों के निशान अभी भी रेत में अंकित है और इसलिए इस स्थान के प्रति उनकी गहरी श्रद्धा है। मथुरा से कुछ किलोमीटर दूर रमण रेती वह रेतीली भूमि है जहां श्री कृष्ण और राधा रानी ने एक साथ अपनी कई लीलाएं की थी। भगवान श्री कृष्ण और उनकी प्रिय राधा जी के लिए अत्यंत गर्व और श्रद्धा के साथ गोकुल के पास स्थित है। वह रेत जो उस समय केवल एक कीचड़ वाली भूमि थी, उसे पता होगा कि लगभग 5000 साल बाद यह भक्तों द्वारा पूजा जाएगा और वे इस लौटना और अपने माथे से लगाना पुरस्कृत मानेंगे। और वह भी क्यों ना, भगवान श्री कृष्ण ने देवी राधा और श्री बलराम के साथ इस पर अपने पैर रखे थे। भगवान कृष्ण ने अपने ग्वाल बालों वाले दोस्तों और भाई बलराम के साथ रेत में खेला होगा, क्योंकि रमण का मतलब दिव्य लीलाएं और रेती का अर्थ है रेत। यह वह स्थान है जहां श्री कृष्ण राधा जी की प्रतीक्षा करते थे, जिसके बाद वे एक साथ वृंदावन जाते थे। रमण रेती एक बड़ा और विशाल रेतीला परिसर है जिसमें खूबसूरत मंदिर, एक हिरण अभयारण्य और एक पक्षी अभयारण्य है। एक पर आप हिरणों को इधर उधर घूमते हुए देख सकते हैं, जबकि दूसरी तरफ आप हंसों और एमू को धूप सेकते हुए देख सकते हैं। यह वाकई खूबसूरत है। इसमें हरे पेड़ों से घिरी छोटी छोटी झोपड़ियाँ भी हैं जहाँ संत, तपस्वी और तीर्थयात्री आराम कर सकते हैं और शांत वातावरण का आनंद ले सकते हैं। रमन रेती न केवल इसलिए एक लोकप्रिय तीर्थ स्थान है क्योंकि इसमें श्री कृष्ण की छाप है, बल्कि इसलिए भी क्योंकि उन्होंने कई राक्षसों का वध किया और यहाँ कई चमत्कार किए। अगर आप मथुरा में हैं तो रमन रेती जरूर आएं। रमन रेती में देखने लायक कई मनोहर जगहें हैं। हिरण और पक्षी अभयारण्य में सबसे अद्भुत दृश्य है जहाँ आप हिरणों को घूमते हुए और एमू और हंसों को तालाब में मस्ती करते हुए देख सकते हैं। वैसे तो ब्रज भूमि का कण कण श्री कृष्ण में समाया हुआ है और श्री कृष्ण ब्रज में समाये हुए हैं। ब्रज की भूमि श्री कृष्ण की लीलाओं और उनके चरण से पवित्र और शुद्ध है। यहाँ पर हर जगह आपको चमत्कार ही चमत्कार मिलेंगे। ब्रज भूमि के गोकुल के रमण रेती मंदिर में चारों तरफ रेत हैं। जो भक्त दर्शन करने आते हैं वो बिना लेटे यहाँ से नहीं जाते हैं। फागुन मास में तो यहाँ भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिलती है। मान्यता है कि बाल्य अवस्था में गोपाल यहाँ पे बहुत सारी लीलाएं किए थे, जो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। और इसकी एक खास बात यह है कि जो लोग आते हैं, भक्त आते हैं या श्रद्धालुगण आते हैं, ये मान्यता है कि इस रमण रेती के रेत में लेटने से सारी बीमारियां दूर हो जाती हैं और सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। तो एक बार प्रेम से बोलिए जय श्री राधे। वैसे तो रमन रेती के बारे में बहुत सारी कथाएं प्रचलित है। उसी में से एक कथा ये है कि अगर वहाँ पे जो भी श्रद्धालु जाते हैं उनको अगर उस रेत को बॉल बना के एक दूसरे को मारते हैं तो पुण्य मिलता है। और जो भक्तजन यहाँ कर रेत में लौटते हैं ताकि वह पवित्र मिट्टी से भी पवित्र हो सके। और जब श्री कृष्ण यहाँ अपनी बाल लीलाएँ करते थे उसी को देखते हुए यहाँ पे सारे लोग आते हैं और अपने बचपन में डूब जाते हैं। बहुत सारी ऐसी क्रीड़ा करते हैं जो उम्र के विपरीत रहता है, यानी कि अपने उम्र से छोटेपन में चले जाते हैं, बचपन में चले जाते हैं। तो यहाँ पे आके हम लोग भी वही बचपना करने वाले थे जो कि आप लोग देख सकते हैं हम लोग के अंदर की चंचलता। और ऐसा माना जाता है कि
रेत से घुटने और जोड़ों का दर्द भी दूर हो जाता है। रमन रति की यह रेत काफ़ी पूजनीय मानी जाती है। कई लोग तो इस रेत को अपने साथ लेकर जाते हैं। बताया जाता है कि यहाँ की रेत को घुटने व जोड़ों पर रखने से पूरा दर्द दूर हो जाता है। रमन रति आने वाले भक्त मिट्टी का तिलक भी लगाते हैं, जिनको श्री कृष्ण के चरण रज को माथे से लगाने की अनुभूति होती है। यहाँ पर संत आत्मानंद गिरि आए थे। माना जाता है कि उनको भगवान श्री कृष्ण ने साक्षात दर्शन किए थे, इसलिए भी यह स्थल काफ़ी सिद्ध माना जाता है। साथ ही संत रसखान ने भी यहाँ तपस्या की थी, यहाँ इनकी समाधि बनी हुई है। लोग यहाँ घर रेत से घर भी बनाने की कोशिश करते हैं। बताया जाता है ऐसा करने से उनके अपने घर का सपना भी पूरा हो जाता है। रमन रेत में रमन बिहारी जी का मंदिर है। यहाँ पर प्राचीन मंदिर के जर्जर होने के कारण नए मंदिर में रमन बिहारी जी को विराजमान किया गया है। मंदिर में राधा कृष्ण की अष्ट धातु की मूर्ति विराजमान है। बताया जाता है कि जो भी सच्चे मन से जो कुछ मांगता है उसकी हर इच्छा पूरी होती है। तो इसी उम्मीद से हम लोग भी यहाँ पे अभी टहल रहे हैं, जो कि आप देख सकते हैं हम लोग आ गए हैं रमन रेती बिहार में और परिसर में, जो कि बहुत ही विस्तृत है और अपने चारों तरफ फैला हुआ है। और हम लोग भी इस रेत पे चलते हुए, जो कि बहुत ही आनंददायक है, और हम लोग भी सोचे क्यों ना लगे हाथ हम लोग भी अपना घर बना ले, साथ घर बनाने का सपना पूरा हो जाए। तो यह हम लोग के तरफ से ये प्रयास है कि चलिए हम लोग भी थोड़ा कुछ घर बनाते हैं और खेलते हैं, क्योंकि जो मान्यताएं हैं उसको तो हम लोग भी विश्वास करते हैं कि अच्छा है। और ये जो है वो इसकी एक भी एक खासियत हम लोग देखे थे कि अगर आप इस रेत को कितना भी अपने शरीर पे मलें और या अपने शरीर पे लगाएं, लेकिन जब यहाँ से आप बाहर निकलेंगे तो आपके शरीर पे इस रेत का एक कण भी देखने को नहीं मिलेगा। अपने आप सारा रेत गिर जाएगा यहीं पे और आपके साथ कुछ नहीं जा पाएगा। वैसे हम लोग डर रहे थे कि शायद रेत ना निकले, लेकिन ये यहाँ की मान्यता है कि आपके हाथ में जितना भी यहाँ पर रगड़ना है मलना है रेत मल सकते हैं, लेकिन मतलब यहाँ से निकलने के बाद से आपके साथ आपके पास एक भी नहीं रेत रहेगा। और इसी चीज़ को हम लोगों ने बहुत ही इंजॉय किया और राधा रानी और कृष्ण भगवान को याद करते हुए बहुत सारे पल यहाँ पर बिताए। तो आप लोग बने रहे मेरे साथ और देखते रहे मेरे ब्लॉग को और अपना बहुत सारा प्यार दें और सपोर्ट दें। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं हम लोग भी घर बनाने की प्रक्रिया में जुटे हुए हैं और साथ साथ में आपको यहाँ पे एक बहुत ही अच्छी कहानी बताने वाली हूँ, क्योंकि जब हम लोग का ये ट्रिप शुरू हुआ था तो हम लोग तो बहुत ही एक्साइटेड थे कि चलो अब चलते हैं और अच्छे से अपना ये टूर का है भ्रमण करके आएंगे। लेकिन क्या हुआ कि वो रात मुझे अभी भी याद है जब हम लोग मथुरा स्टेशन पे उतरे थे और कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि यहाँ से जाए कहाँ। फिर तभी वहाँ पे रिक्शे वालों की भीड़ लगी और कोई बोल रहा था कि मेरे साथ चलिए, कोई बोला मेरे साथ चलिए, क्योंकि हम लोग को जाना था वृंदावन और हम लोग का गर्मी का दिन था और प्यास से जो हम लोग का प्राण ऊपर नीचे हो रहा था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था किधर जाना है। तभी ये जो हम लोग के साथ हैं रिक्शे वाले भैया वो आए और बोले कि मैडम चलिए वृंदावन चलना है। मैं बोली कि ठीक है चलेंगे, लेकिन पहले आप मुझे पानी पिला दीजिए। और हम लोगों ने वैसे ये बोले कि यहाँ पे पानी मिलता है आप जाकर ले सकते हैं, लेकिन हम लोग बोले कि नहीं, हम लोग वो भी समय हो गया था रात के 9:30 बजे और हम लोग सिर्फ लेडीज़ ही थे तो थोड़ा डर भी था कि कहाँ जाएँ कैसे जाएँ। तो हम लोग बोले कि नहीं हम लोग पैसा दे देते हैं आप ही पानी ला दीजिए। और ये भैया हम लोग को लाकर पानी पिलाए और जब तक ये पानी लाने गए तब तक हम लोग आपस में डिसाइड किए कि हम लोग इन्हीं के रिक्शे से चला जाएगा और वृंदावन। फिर जब हम लोग आ गए मतलब इनके रिक्शे बैठे तो लग रहा था कि कहाँ जाएँगे, रात को समय और बढ़ते जा रहा था, समय बढ़ते जा रहा था और अंदर उतना ही घबराहट होती जा रही थी। जैसे जैसे इनके रिक्शे बढ़ रहे थे वैसे वैसे हमारी परेशानियां बढ़ रही थी, समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि हम लोग पहले से होटल वैसे बुक नहीं किए थे। फिर मैं इनके पीछे पड़ गई कि प्लीज़ भैया हमको एक मतलब होटल दिला दीजिए जो सस्ता हो और टिकाऊ भी हो ऐसे करके। और फिर भैया बोले कि ठीक है चलिए हम आप लोग को दिलाते हैं और इनके साथ एक ऐसा लगाव हो गया जैसे कि हमारे घर के हैं। और फिर हम लोगों ने इनको ऐसे पकड़ा जैसे कि चुंबक लोहे से और फिर कभी हम लोग अलग हुए ही नहीं। जब तक हम लोग मथुरा और वृंदावन का पूरा यात्रा नहीं किया तब तक इनको हम लोग छोड़े भी नहीं, क्योंकि जहाँ भी जाना होता था लगता था कि वहाँ पे कोई अपना है। और इनका जो व्यवहार था वो बहुत ही सरल था,
एकदम अपने छोटे भाई के जैसे लगता था कि मेरा ही छोटा भाई है। और क्या होता था कि जब भी जाना होता था हम लोग कॉल करते, और इन्होंने इतनी हमारी हेल्प की इतनी कि शायद वो मतलब एक यादगार ही बन गया, एक रिश्ते के रूप में हम लोग के साथ रस बस गया। और यहाँ तक कि वहाँ से छोड़ने खाना पीना तक का हम लोग इन्हीं पे निर्भर हो गए कि कहाँ खाना खाना है, कैसे जाना है, कैसे आना है। और इन्होंने अपनी जिम्मेदारी ये भी नहीं छोड़े, क्योंकि इनको लगा कि हम लोग भी इनकी बहन ही हैं और ये रिश्ता बहुत ही मतलब हम लोग के लिए आदरणीय है कि हम लोग जब भी मथुरा और वृंदावन का टूर याद आएगा ये ज़रूर याद आएंगे। और हम लोगों ने ज़बरदस्ती पकड़ पकड़ के अपने साथ इनको घुमाया है, क्योंकि हम लोग भी बहुत सारी यादें थी जो इकट्ठा करना चाह रहे थे। और ये होता है ना कि चमत्कार, कि जब आपके साथ कोई ना हो तो ऊपर वाला होता है। तो वैसे ही हम लोग जैसे गए थे लग रहा था कि हम लोग कितने मतलब ये हैं डिपेंडेंट हैं कि हम लोग कहीं भी चले जाएंगे घूम लेंगे, लेकिन जब भीड़ भाड़ में इंसान होता है तो पता चलता है कि कितना अकेला है भीड़ में रहते हुए भी। और तभी कोई आता है जो आपको उस दुख दर्द से दूर भगाता है। तो ये हम लोगों के लिए बहुत ही थे, यहाँ तक कि जब भी मतलब वहाँ पे अगर आप जाएंगे तो वैसे नॉर्मल पानी पीने के लिए भी बहुत कष्ट होता है, आपको हमेशा खरीद के ही पीना पड़ेगा। उसके लिए भी हम लोग फ़ोन करते थे कि कहाँ मिल रहा है, कैसे मिल रहा है। फिर अंदर से शालीनता है, थोड़े भी हबड़ाहट नहीं है कि नहीं चलिए। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं या बहुत सारे रिक्शे वाले ऐसे होते हैं कि वो तो उतना ही लेंगे, किराया भी लेंगे, लेकिन लेकर जाएंगे तो अंदर से इतना हबड़ा देंगे कि नहीं चलिए, हो गया हो गया, ये कब तक चलेंगे ऐसे। और इनके साथ ऐसा कुछ नहीं था, जहाँ आप जितना घूमना चाहें जितनी देर लगाना चाहें, ये खुद बोलते थे कि चलिए आप लोग कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग आराम से घूमिए आराम से घूमिए। और इस चीज़ को हम लोगों ने बहुत ही मतलब हम लोग को लग रहा था कि कैसे हम लोग को मिल गए, और उस चीज़ के लिए हम लोग भगवान को बहुत ही धन्यवाद बोलते थे, आपस में बोलते भी थे कि भगवान अगर नहीं होते तो आज हम लोग पता नहीं ऐसे कैसे भटक रहे होते। तो ये ऊपर वाले की ही देन थी, शायद श्री कृष्ण भगवान यही चाहते थे कि हम लोग गए हैं वहाँ पे तो अपनी यात्रा को सफल बना कर आए। और इस यात्रा को सफल बनाने में हमारे रिक्शे वाले भैया का बहुत ही अच्छा और महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तो हम लोग सब लोग दिल से बहुत ही इनको धन्यवाद देंगे कि अपने बिजनेस में ज़रूर मतलब बहुत ही कामयाबी कुछ हुए और अब बहुत मतलब आगे बढ़े, तरक्की करें। और ये हम लोग सभी लोग चाहते हैं कि मतलब ये आगे बढ़े, और जब हम लोग आए तो इनसे ज़रूर मिले। तो कैसा लगा मेरा ये रमन रीति का ब्लॉग, आप लोग कमेंट ज़रूर करें और प्लीज़ अपना सपोर्ट बनाए रखें मेरे साथ। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। तो चलिए मिलते हैं अगले ब्लॉग में गोकुल में, और वहाँ पे जो अद्भुत नज़ारे देखने को मिले वो आप लोग को दिखाऊंगी मैं। तो मेरे साथ बने रहें और आप मेरे वीडियो को ज़रूर से ज़रूर शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपना प्यार दें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।